वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है अश्वगंधा पाउडर तथा अश्वगंधा कैप्सूल की एक छोटा सा रिव्यू में। अश्वगंधा जो कि बहुत ही गुणकारी एक हर्ब है, इसको इंडियन जिंसेन भी कहा जाता है और इसको सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए और बॉडी की स्ट्रेंथ और स्टेमिना को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्राचीन काल से अश्वगंधा हमारा जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये शरीर को चुस्ती और फुर्ती प्रदान करता है। अश्वगंधा को एक टॉनिक कहा जाता है क्योंकि ये शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है और बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। अश्वगंधा प्रकृति का दिया हुआ एक ऐसा वरदान है जिसको हम कई प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइए जानते हैं इसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अश्वगंधा की सेवन से सेक्स पावर बढ़ता है, वीर्य की गुणवत्ता बढ़ता है और वीर्य ज़्यादा मात्रा में बनता है। जिन लोगों को हमेशा आलस्य महसूस होता है उसको अश्वगंधा की सेवन करना चाहिए। इसकी सेवन से आलस्य खत्म हो जाता है। जो लोग संभोग के दौरान जल्दी थक जाते हैं ये उनके लिए एक बहुत ही प्रभावशाली औषधि है। अश्वगंधा एंटी एजिंग दवा है। ये उम्र को नियंत्रित रखने में मदद करता है। ये मन को शांत करता है और सहन शक्ति को वृद्धि करता है। ये हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ाता है। यदि आपको अनिद्रा की शिकायत है तो अश्वगंधा आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा क्योंकि अश्वगंधा की सेवन से अच्छी नींद आता है। अश्वगंधा की सेवन से गठिया का दर्द खत्म हो जाता है। अश्वगंधा ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है। इसकी सेवन से तनाव कम होता है। ये दवा डायबिटीज में भी काफ़ी फायदा पहुंचाता है। अश्वगंधा शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ाता है। इसकी नियमित सेवन से खून की मात्रा बढ़ जाता है। इसे खाने से बाल काला होता है, टीवी में फायदा होता है और याददाश्त बढ़ जाता है। इसकी साइड इफेक्ट, प्रेग्नेंट महिलाओं को इसकी सेवन नहीं करना चाहिए। जिनकी पेट में अल्सर है वो भी इसको सेवन ना करें। दूध पिलाने वाले माताओं को इसकी सेवन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को अश्वगंधा खाने से बुखार हो जाता है उनको इसको नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। देखने के लिए थैंक यू।